गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 सोशल पैडागोजी का। तो सोशल पैडागोजी काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रही थी, अभी टैट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कई सारे, तो मैंने सोचा करा दूं, क्योंकि ये सभी टैट एग्ज़ाम्स में लगभग पूछी ही जाती है और इसका कोई कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है। तो ये पैडागोजी में कितने चैप्टर्स हम करने वाले हैं, इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 की, और चैप्टर वाइज इसको हम करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे जो कि क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो चैप्टर के हर चैप्टर के बाद हम वो क्वेश्चंस को करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारी पैडागोजी की क्लास। और सबसे पहले मैं बता दूँ पैडागोजी होती क्या है। तो किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी वो होती है जिसमें कि हम उससे टीचिंग से रिलेटेड उसके मेथड्स सीखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। अब मान लो हम सोशल पैडागोजी पढ़ रहे हैं, तो सोशल पैडागोजी में क्या होगा कि सोशल साइंस कैसे पढ़ाई जाए, इस चीज़ मतलब इसके हम मेथड्स सीखते हैं, इसमें ट्रिक्स सीखते हैं किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे और किस तरह से उनको हम समझा सकते हैं चीज़ों को। तो ये सभी पढ़ते हैं हम सोशल पैडागोजी में। एक तो चीज़ हम इसमें ये समझते हैं कि सोशल साइंस क्या होता है, और एक चीज़ हम ये समझते हैं इसमें कि किस तरह से हम इजी वे में बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसमें मेथड्स, ट्रिक्स, टिप्स हमें मिलते हैं जानने को। तो शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास और पहला चैप्टर, तो जो कि है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति, प्रकृति और अवधारणा। तो मैंने बाइलिंगुअल कंटेंट लिया है जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम ना आए। देख लेते हैं इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टडीज़, मतलब अर्थ और परिभाषा सोशल स्टडी की क्या होती है, सोशल स्टडीज़ की प्रकृति कैसी होती है, स्कोप क्या है सोशल स्टडीज़ का, क्षेत्र क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंसेज एंड सोशल स्टडीज़। आपने दो तरह के शब्द सुने होंगे, सोशल साइंसेज और सोशल स्टडीज़, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली ये जानेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज़, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हैं इनको हम इसी वीडियो में करेंगे, बाकी डिफरेंस और एम्स वाला जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो समझ में भी नहीं आता अच्छे से। तो इनको हम दो पार्ट में करेंगे इस चैप्टर को, और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे सोसाइटी की, सोसाइटी क्या होती है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ जो है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसमें कि हमने सोसाइटी को पहले समझना ज़रूरी है। तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, और मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे के अस्तित्व पर अन्याश्रित हैं। मतलब क्या है इसका, तो सामाजिक प्राणी हम उसे कहते हैं जो कि समाज में रहता है, उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे मिलकर एक ग्रुप बन जाता है जिसको कि समाज कहा जाता है, और उसमें रहने वाले लोगों को एक तरह से सामाजिक प्राणी हम बोलते हैं। तो मनुष्य कुछ इसी तरह का प्राणी कहा जाता है, क्योंकि समाज में वो रहता है, और मनुष्य और समाज जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिना, दोनों का जो अस्तित्व है एक दूसरे के बिना अधूरा है। सोसाइटी जो है वो भी मनुष्य से मिलकर बनती है, और जो मनुष्य है वो भी सोसाइटी के बिना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप अकेले पर्सन होंगे अगर इस प्लेनेट पर, तो क्या आप जी पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे तभी तो आपको जीने की वजह मिलेगी, या फिर आपको कुछ काम मिलेगा करने के लिए, अकेले होंगे तो कैसे जिएंगे। तो इसीलिए जो समाज है और मनुष्य है वो एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट कहे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे का जो अस्तित्व है दोनों से ही संबंधित है। तो सोसाइटी जो है वो मनुष्य के बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज़ जो है, एक स्कूल स्तर का विषय है। आपने देखा होगा जो ये 6 to 8 क्लासेस जो होती हैं उसमें आपने देखा है एक सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडीज़। अब जो सोशल स्टडीज़ है उसमें भी कई जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि आप देखें इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और अर्थशास्त्र। तो ये चार विषय जो हैं इनसे मिलकर बनता है सोशल स्टडीज़। तो पहला जो है हिस्ट्री, इसमें हम
जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, हुई हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। और क्योंकि वो हमारे समाज से ही जुड़ी हुई है हिस्ट्री, तो इसीलिए सोशल स्टडीज़ के अंदर आती है। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट क्या है? भूगोल है। भूगोल में हम हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब पृथ्वी पर क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मतलब इनके बारे में हम इसमें जानते हैं। तो एक तरह से वो भी हमें घेरे हुए हैं ये सब चीज़ें, ये फिजिकल चीज़ें जो हैं हमें घेरे हुए हैं। और क्योंकि ये भी एक तरह से हमारा जीविका के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये भी एक सोशल स्टडीज़ का एक विषय है। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पहले इसका नाम नागरिक शास्त्र या फिर हम कहें सिविक्स था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन कर दिया गया है। क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ नहीं होती है, इसमें हमारी सामाजिक लाइफ भी होती है, मतलब सोशल लाइफ भी होती है, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो ये तो जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये तीनों सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट का जो सब्जेक्ट है ये अर्थशास्त्र, ये हमारा आता है उच्च प्राथमिक स्तर के बाद, ये हमारा 9th क्लास से सब्जेक्ट आता है। तो ये 6 to 8 तक नहीं होता है, ये आता है हमारा 9th क्लास से, लेकिन ये भी सोशल स्टडीज़ का ही एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है। तो ये चार विषय जो हैं इनसे मिलकर बनता है सोशल स्टडीज़। आगे बढ़ते हैं, देखो सोशल स्टडीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। दो डेफिनेशन है महत्वपूर्ण जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। एक तो एक जो पहली परिभाषा है वो दी गई है नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ USA के द्वारा, और ये परिभाषा हम देख लेते हैं। ये है सामाजिक अध्ययन नागरिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। तो ये क्या है? सामाजिक विज्ञान ये एकीकृत अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन नागरिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, ये डेफिनेशन है जो कि दी गई है नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ USA के द्वारा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो दी गई है J.F. फॉरेस्टर के अनुसार, ये है सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है और मुख्य उद्देश्य जो है इसका वो विद्यार्थियों को उस दुनिया को समझने में मदद करता है जिसमें उन्हें रहना है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसका मतलब है कि मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो बनाने में मदद करता है सोशल स्टडीज़ जो होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये दो डेफिनेशन हमने देख ली हैं। अब इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलता है? वो यही है कि जो सामाजिक अध्ययन है लोगों और समाज में काम करने के लिए उनके संबंधों का अध्ययन है। मतलब कुल मिलाकर बात ये आती है कि जो सोशल स्टडीज़ जो है लोगों का और समाज का एक संबंध दर्शाता है, लोगों और समाज में जो काम करने के लिए उनका जो संबंध होता है वो दर्शाता है, उसी का ही ये अध्ययन है। तो हम दोनों के बारे में इसमें पढ़ते हैं, समाज के बारे में भी और लोगों के बारे में भी। और अंत्य विषय जो लोगों के सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों से संबंधित हैं। तो इसमें जो है सोशल स्टडीज़ एक अंत्य विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हम कहते हैं, जो कि लोगों के सामाजिक, सोशल जो लाइफ होती है उनकी, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों से संबंधित है। मतलब सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो वो चाहे हमारी सोशल लाइफ हो या फिर हमारी फिजिकल या फिर हमारा कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है, इन सभी के संबंधों से ये संबंधित है। तो कई सारी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं सोशल स्टडीज़ में। फिर देख लेते हैं नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है इसकी, किस तरह का सब्जेक्ट है ये। तो पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है समाज से सरोकार। तो पहला पॉइंट है इसमें समाज से सरोकार। तो सोशल स्टडीज़ जो है वो समाज के लिए और समाज के माध्यम से अध्ययन है। तो ये जो अध्ययन है वो समाज का ही एक अध्ययन है और समाज के लिए ही अध्ययन है, समाज के माध्यम से ही हम अध्ययन भी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो जाता है ये। सेकंड पॉइंट है मिश्रण के बजाय यौगिक है। यौगिक क्या है? मतलब ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट से बना है,
जैसे कि इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, साक्षरता, नागरिक शास्त्र, सरकार, अर्थशास्त्र, या फिर हम कहें वित्तीय साक्षरता और संस्कृति। तो ये सब जो विषय हैं इनसे मिलकर ये सामाजिक अध्ययन बना है। और मतलब किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई जैसे गाड़ी बनती है, या फिर कोई साइकिल बनती है, कोई भी व्हीकल बनता है, या फिर कोई मशीन बनती है, वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनती है। वैसे ही सामाजिक अध्ययन की बात आती है, सामाजिक अध्ययन भी अनेक सब्जेक्ट से बना है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है अपने आप में एक अलग विषय है। इन सभी से मिलकर बनने के बावजूद भी ये एक अलग विषय कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्यावहारिक जीवन की तैयारी। तो व्यावहारिक जीवन की तैयारी कैसे होती है? छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। अब देखो, जब सोशल स्टडीज़ के बारे में बच्चे पढ़ेंगे और जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब वैल्यूज़ मतलब कि समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से इमोशंस को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं समाज में रहने के लिए, वो बच्चा सीखता है और उससे क्या होता है, वो एक अच्छा नागरिक बन पाता है समाज में रहकर और इसका अध्ययन करके। तो एक तरह से वो क्या होता है, व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा क्या है, मानव कल्याण से संबंधित है ये। तो सामाजिक अध्ययन जो है समाज की परवाह करता है। मानव कल्याण से कैसे संबंधित है? वही कि मतलब जब बच्चों को हम वैल्यूज़ वगैरह सिखाएंगे समाज से संबंधित, तो वो नैतिकता सीखेगा, वैल्यूज़ सीखेगा, समाज में किस तरह से रहना चाहिए। तो इसीलिए, और जब वो रहना सीखेगा तो उसे अच्छे बुरे का भी फ़र्क समझ में आएगा, तो वो फिर अच्छे काम करने का सोचेगा कि अच्छे काम करने का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम करने का नतीजा बुरा होता है। तो क्या होगा, मानव कल्याण होगा इसके थ्रू। इसके बाद है गतिशील विषय। समाज और मनुष्य भी स्थिर नहीं है, तो समाज और मनुष्य जो हैं वो भी गतिशील ही हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा समाज है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस क्या होते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। और जैसे मान लो कोई नई चीज़ की खोज हुई है, तो जो भी चीज़ खोज हो, जिस भी चीज़ की खोज होती है वो चीज़ उसमें ऐड होती रहती है, हमारी उसमें सोसाइटी में ऐड होती रहती है, या फिर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें ऐड होती रहती है। तो जैसे क्योंकि गतिशील विषय, इसे इसलिए ही कहा गया है। अब जैसे मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या होता है, जैसे प्लैनेट्स हैं तो नए प्लैनेट्स की खोज होती रहती है, प्लैनेट्स नहीं तो हम कहते हैं सैटेलाइट, जो नेचुरल जो सैटेलाइट होती हैं, उपग्रह बोलते हैं जिन्हें, उनकी खोज चलती रहती है। या फिर प्लैनेट जो हैं मतलब बाहर भी होते रहते हैं, प्लैनेट की कैटेगरी से, जैसे कि प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। तो इस तरह से क्या है ना, अपडेशन चलता रहता है, कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं और कुछ पुरानी चीज़ें बाहर होती रहती हैं जो उस कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से क्या है, ये गतिशील विषय इसी वजह से कहलाता है। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, सोशल साइंस के अंदर, हिस्ट्री में भी आप देखें, ज्योग्राफी में देखें, या फिर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में देखें। सोशल और पॉलिटिकल में आपने देखा होगा कुछ एक्ट बनते रहते हैं, कुछ नए नियम कानून बनते रहते थे, वो तो वो भी ऐड होते रहते हैं। इसी वजह से गतिशील विषय कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास। तो इसके द्वारा जो है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, या फिर सोशल सेंसिटिवनेस, सामाजिक संवेदनशीलता वो सीखते हैं, समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से इमोशंस को मतलब दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, मतलब इस तरह से वो ध्यान रखते हैं। तो व्यक्तित्व का, जो छात्रों के जो व्यक्तित्व का है ओवरऑल विकास होता है, ज़्यादातर इन पॉइंट्स का होता है, जैसे कि उसकी क्रिएटिव थिंकिंग मतलब डेवलप होती है, कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव करता है। अब जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट के थ्रू ही देखें, तो जैसे ज्योग्राफी में आप किसी बच्चों को कोई प्रोजेक्ट करने को दें कि जैसे भाई रिवर्स, कोई रिवर दे दें कि इस पे इसके बारे में डिटेल निकालो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इस पर चल रहे हैं, कौन सा डैम बनाया जा रहा है, तो इस तरह की जो है आप उसे काम करने के लिए देंगे, तो क्या होगा, वो क्रिएटिव थिंकिंग उसकी डेवलप होगी, वो खुद से चीज़ों को खोजेगा, और इसके साथ साथ उसका बौद्धिक विकास भी होगा। साथ ही सामाजिक संवेदनशीलता मैंने बताया आपको, जैसे कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सब भी इसमें सीखा जाता है। इसके बाद है मानव और पर्यावरण के संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन। मानव और पर्यावरण के बीच संबंध भी इसमें जो है हमें पता चलता है, जैसे कुछ चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलती हैं और हम भी पर्यावरण को बहुत कुछ देते हैं। पर्यावरण से हमें अपने जीविका के लिए कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, खाना मिलता है, और जीविकोपार्जन के चीज़ें मिलती हैं जिनसे कि हम सर्वाइव कर पाते हैं। हम भी एनवायरनमेंट को काफ़ी कुछ देते हैं, जैसे कि पोल्यूशन वगैरह, तो हम तो ऐसी चीज़ देते हैं जो कि
मतलब नेगेटिव चीज़ें हम कह सकते हैं और हमें एनवायरनमेंट से पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच जो है ये अंतर संबंधों का अध्ययन भी है। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, बच्चे को स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है, छात्र जो है सामाजिक वातावरण और सामाजिक कौशल सीखते हैं। तो बच्चों को जो है स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने का मतलब है कि वो अच्छी सी मतलब पॉजिटिव चीज़ें वो सीखने को उसको तैयार करता है, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं समाज में कैसे रहना है और आसपास के वातावरण में कैसे ढलना है, कैसे आसपास के माहौल में ढलना है। सामाजिक कौशल सीखने का मतलब होता है समाज में कैसे उठना बैठना है, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, कौन सी बुरी आदतें होती हैं। तो यही सब होता है सामाजिक वातावरण, सामाजिक कौशल। जैसे कि इक्वालिटी को भी हम ले सकते हैं इसमें, कि वो इक्वल ट्रीट करना है सभी को, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, तो सभी को इक्वल ट्रीट करना है। तो ये सब भी जो है सामाजिक कौशल के अंदर आता है। तो यही सब जो है बच्चे सीख पाते हैं इस विषय के अंतर्गत। फिर आता है स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़। स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़ में क्या आएगा, मतलब सामाजिक अध्ययन का जो है वो क्षेत्र कैसा है इसका। वैसे तो इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़े लेवल पर इसका हम कह सकते हैं हमें अध्ययन करना पड़ता है। आपने देखा ही होगा ज्योग्राफी हिस्ट्री में कितना कुछ रहता है आपको सीखने को, जानने को काफ़ी कुछ रहता है। तो इसका जो स्कोप है शॉर्ट में देख लेते हैं, एक तो है पॉइंट इसमें मानव समाज का ये अध्ययन है कि मानव समाज में कैसा रहता है, किस तरह का समाज होता है जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, ये सब हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है मानव संबंधों का ये अध्ययन है, मानवों के बीच कैसा संबंध होता है, कैसे एक दूसरे से वो बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ वो घुलते मिलते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये सभी जो है हम इसके अंदर जो है अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा हिस्ट्री में आप जान पाते हैं कि किस तरह से वैदिक पीरियड जो था उसमें लोग रहते थे, किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे। तो सभी टाइम पीरियड पर आप देखें अगर, तो सभी का रहन सहन में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और आज का लाइफस्टाइल देखें तो वो कुछ और अलग तरीके का मिलेगा। तो मतलब हर समाज में आप देखें, हर टाइम पर मानवों का अगर देखें तो संबंध कुछ अलग तरीके के देखने को मिलेंगे आपको। फिर है संस्कृति, इतिहास और समसामयिक मामलों का अध्ययन, जो कल्चर है हमारा, हिस्ट्री है, अभी जिसकी हमने बात करी हिस्ट्री में क्या हुआ था, या फिर आजकल जो चल रहा है, आजकल जो मतलब हमारे आजकल के पीरियड में जो मतलब मुद्दे चल रहे हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं इसके द्वारा। देखा होगा आपने सोशल साइंस जो है अपडेट होता रहता है, अपडेट होता रहता है ये सोशल स्टडीज़, तो नई नई चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता रहता है, जैसे कि कौन से एक्ट नए आए हैं, कौन सी चीज़ें नई हुई हैं, तो उनका हमें पता चलता रहता है। इसके अलावा है भौतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के अंतर संबंध का अध्ययन। भौतिक पर्यावरण मतलब जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें लोग भी आ जाते हैं, उसमें जो हमारा भौतिक पर्यावरण जिस मतलब जो भौगोलिक चीज़ें हैं कि आसपास का हमारा भौतिक स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं आपको नदी मिलेगी, कहीं पहाड़ मिलेंगे, कैसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो भौतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य का क्या संबंध है इसका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके बाद है जाति व्यवस्था, धर्म, राजनीतिक संरचना और सरकार जैसी संस्थाओं के साथ मनुष्य का संबंध। तो जाति व्यवस्था तो आपने देखा होगा ये शुरू से ही चली आ रही है, वैदिक पीरियड से चली आ रही है जाति व्यवस्था, वहीं से स्टार्ट हुई थी। और धर्म, धर्म की बात करें, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, किस तरह से मनुष्य जो है उसमें अपने आप को एडजस्ट करता है, राजनीतिक संरचना कैसी है इन सब के बीच और सरकार के बीच किस तरह से मनुष्य का मतलब रिलेशन है इन सब से, इन सब के बीच, इन सब के साथ, तो ये भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर है राष्ट्रीय विज्ञान का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेशनल साइंस, इसका भी अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं सोशल स्टडीज़ में। स्टडी ऑफ फाइन आर्ट, इसका भी इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़। तो ये टॉपिक्स हमने कर लिए हैं आज की क्लास में, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको डेली क्लासेस लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।